No. फुटबॉल और सॉकर, ये दोनों शब्द को लेके दुनिया में काफी तू-तू-मैं-मैं होते आई है। हकीकत क्या है? दुनिया के कई सारे देश इसे फुटबॉल कहते हैं और कुछ गिने चुने देश इंक्लूडिंग यूएसए इसे सॉकर कहता है। फुटबॉल काफी सदियों से दुनिया में खेलता जाया हुआ स्पोर्ट है और इसकी शुरुआत लगभग 300 BCE के दौरान चाइना में हुई थी। चाइना में लोग ये गेम को अपने रोजाना जिंदगी में खेला करते थे। ये गेम का नाम किकबॉल हुआ करता था, जो कुछ इस तरह से खेला जाता था। धीरे ही धीरे ये गेम पूरे दुनिया में फैल गया और फैलते फैलते ये गेम जा पहुंचा इंग्लैंड। इंग्लैंड पहुंचने के बाद ये गेम में काफ़ी बदलाव आए, क्योंकि ये गेम वहाँ पर बहुत ही मशहूर हो चुका था और कुछ नियम ना होने की वजह से काफ़ी झगड़े भी होते थे। आखिरकार अक्टूबर 1863 को कुछ लोगों ने मिलकर एक बुक बनाई और बुक एक एसोसिएशन के द्वारा स्थापित की गई, द फुटबॉल एसोसिएशन। ये फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर फुटबॉल के आज के खेलने जाने वाले सारे रूल दिए गए, पर देखते ही देखते एक नई बुक आई, द डिफरेंट रूल बुक। ये रूल बुक में हाथों का प्रयोग अलाउड किया गया था। कुछ सालों के बाद इसे रग्बी फुटबॉल का नाम दे दिया गया, जो पड़ा एक रग्बी स्कूल इंग्लैंड के वजह से। अब फुटबॉल एक अलग गेम था और एक रग्बी अलग था। रग्बी को लोग रग्बी फुटबॉल कहते थे और फुटबॉल को लोग एसोसिएशन फुटबॉल कहा करते थे। रग्बी बन गया रगर और एसोसिएशन फुटबॉल बन गया सॉकर। अब ये दोनों ही काफ़ी ही अलग गेम हुआ करते थे। रग्बी हाथों से और फुटबॉल पैरों से खेले जाने वाला गेम था। अब धीरे धीरे फुटबॉल अमेरिका पहुंचा, पर वहाँ पे उसके लिए जगह नहीं थी, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी सॉकर मौजूद था। तो अब अमेरिकन लोगों ने अमेरिकन और उसके बाकी की जैसे सारे कंट्रियों ने सॉकर शब्द ही पसंद किया और बाकी की पूरी दुनिया में ये फुटबॉल के नाम से फेमस हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब कमेंट।